Yeah, my fortunate that I came in right time and into the right place, so that you won't be waste your time and money. So once I back to Singapore, I will update you about my upcoming education system. So I would like to thank to our Sir Devratn Agrawal Sir, that he's amazing guy, and bottom of my heart I would like to thank to Sir. Thank you. Chale, theek hai, thank you very much. India ka number one is it called? Yes, India. तो दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ में एक स्टूडेंट, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए बताइए। दोस्तों मेरा नाम राजरत्न सिंह है, मैं ओडिशा का हूँ, लेकिन मैं सिंगापुर में 12 साल हो रहे हैं, मैं वहाँ काम करता हूँ। सिंगापुर में आप किस तरह की जॉब करते थे? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हिसाब से वहाँ काम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में तुम काम करते थे सिंगापुर में, ठीक है। अच्छा बताओ कि आपने मोबाइल रिपेयरिंग का कैरियर क्यों चुना और इतनी दूर से सिंगापुर से इंडिया में झोलपुर क्यों चुना, एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसा चीज़ है कि मैं फील किया कि एक अभी जो अगले 100 साल के लिए ये एक अच्छा टेक्निकल है, जिसमें कैरियर है, एक टेक्निकल कैरियर के हिसाब से हम बना सकते हैं, और ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है ये, जो बढ़ने ही वाला है, जो घटने नहीं वाला है ना। तो ये एक #1 चीज़ है, और इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो खूब बहुत कम पैसे से आप शुरू कर सकते हैं। वेरी गुड, मतलब इस बिजनेस में आपको ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपने मोबाइल रिपेयरिंग में आए, इंटरेस्ट भी था आपका जी। अब एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना आपने? मैं इस थोड़ी एडवांटेज के लिए मैं चाहता था कि मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग लूँ, तो मैं जब सिंगापुर में सर्च किया तो वहाँ इतना अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे, तो जब मैं सिंगापुर में जी अच्छा, तो जब मैं सर्च किया कि इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा दे रहा है, तो पहले तो मैं दिल्ली का कुछ इंस्टीट्यूट का वीडियो देखा यूट्यूब में, फिर वैसे थोड़ा मैं सर्च करते रहा, तो एशिया टेलीकॉम का भी मैं देखा, और यहाँ पर यूट्यूब में जो स्टूडेंट जो आउटपुट बता रहे थे उनका जो मतलब कॉन्फिडेंट देख रहा था, तो मुझे लगा कि इस इंस्टीट्यूट में कुछ सीखने के लिए कुछ मिल सकता है। बाकी जो स्टूडेंट बच्चे जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक वीडियो में एक अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग देखने को मिलते हैं यहाँ पर। आज मुझे आप ये बात बताइए कि आप यहाँ पर जो चीज़ आपने सोची थी, आपको यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए हैं, आप यहाँ आए हुए, काफ़ी आपने क्लासेस अटेंड की हुई है, तो आपको सीखने को यहाँ पर मिला है यहाँ पर? जी बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला है। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फील्ड में भी थोड़ी चीज़ मुझे डाउट था इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और इसीलिए मैं थोड़ा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का ऊपर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ आके मेरा वो सब डाउट क्लियर हो गया, और सर जैसे बता रहे हैं क्लैरिटी के साथ, तो वो एक बहुत एडवांटेज है मेरे लिए, और ये दोनों फील्ड में मुझे काम पे आएगा। ऑब्वियस है, दोनों फील्ड में काम में आएगा, आपकी जॉब में भी प्लस आपको उसमें भी। तो राज मुझे ये बात बताइए कि अब आपने यहाँ पर ये बताया कि आपको सेटिस्फाई है, आप यहाँ से सेटिस्फाई है कि नहीं है, और क्या कहना चाहेंगे आप उन बच्चों से जो बाहर के हैं, इंडिया से बाहर के हैं, इंडिया के हैं, उनको क्या आप एक राय देना चाहेंगे कि क्या सिलेक्ट करना चाहिए, जो आपने देखा एशिया टेलीकॉम में उनको क्या देखना चाहिए इंस्टीट्यूट में? अगर आप मोबाइल ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं तो पहले चीज़ ये देखना है कि उनका एजुकेशन, वो जो मटेरियल देते हैं वो कैसा देते हैं। मटेरियल मतलब आपका जो ट्रेनिंग होगा, और प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल। तो इस एशिया टेलीकॉम में हर चीज़ में मुझे सेटिस्फेक्शन है, और मैं तो दूसरे इंस्टीट्यूट नहीं गया हूँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितने सारे लड़के थोड़े लड़के बाहर इंस्टीट्यूट भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पढ़ कर आए हैं ना, दो इंस्टीट्यूट करके आए हैं, तो उनसे तो मैं थोड़ा सा मिला होगा कि किस तरह का कि उनको नहीं सीखा उन लोग ने कि तो जैसे उन लोगों से मैं सुना था कि वो लोग बोल रहे थे कि वहाँ थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली भी उतना अच्छा नहीं कराते हैं, 3-3, 4-4 महीने के में, तो इसलिए उनसे तुमको सुन के और अच्छा लगा होगा कि तुमने डायरेक्टली एक इंस्टीट्यूट को चुना। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि चलो पहली बार ही मैं सही इंस्टीट्यूट में मैं आ गया, जिसके द्वारा मेरा पैसा और टाइम दोनों बच गए। तो चलिए ठीक है राज, हम यही चाहेंगे। और आप अपनी फैमिली को यहाँ से क्या करना चाहते हैं? अगर मान लो अगर ये आपकी फैमिली देख रहे हो, क्योंकि आपकी फैमिली भी सिंगापुर में है, तो आई होप कि देख रहे हो, तो क्या बोलना चाहोगे आप उनसे? मैं अपना फैमिली को और अपने दोस्तों को, सिंगापुर के दोस्तों को, जो मान लो अगर वो वीडियो देख रहे होंगे, तो क्या बोलना चाहोगे? मैं अपना फैमिली को, पहले मेरा जो वाइफ है उनको और मेरा ससुर जी भी वहाँ गए मेरा मदद करने के लिए, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और किन्होंने आपको सपोर्ट किया कि आप यहाँ आए, है ना? आप बिल्कुल। और जो भी मेरा सिंगापुर का दोस्त है उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहता। क्या इंग्लिश में बोल दो अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। हिंदी प्रॉपर नहीं है। फ्रेंड्स, दोज who lives in Singapore, I just want to tell them that if you want to come back to your country, then don't be hopeless. My main aim is to educate you, to give you some opportunity that once you come back to your country, you can start your own business. So mobile repairing is a very advancing technology nowadays. Everybody using smartphones and a lot of phones everybody is using. So this is a good opportunity to for you to start a mobile repairing business in India. So those who are hopeless in Singapore, so I will teach you there, so that you can learn the right thing in the right time. Then you can start your career as a mobile technician. And this is my fortunate that I came in right time and into the right place, so that you won't be waste your time and money. So once I back to Singapore, I will update you about my upcoming education system. So I would like to thank to our sir Devratn Agrawal sir, that he's amazing guy, and बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो भी आपने अगर नया फील्ड चुना है, आप उसमें सक्सेस पाएं, और एशिया टेलीकॉम आपको दिल से शुभकामना देना चाहता है, और यही है कि आप एक अच्छे टेक्नीशियन बने और साथ में एक अच्छे इंसान बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कम। थैंक यू। Announcing 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.